बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बिरयानी। देगची को हमने चूल्हे पर रख दिया है, इसमें हम डालेंगे घी। इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज का रंग सुनहरा होने तक इनको पकाएंगे। अब प्याज का रंग सुनहरा हो चुका है, आधे प्याज हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे, मेथी डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे। इसमें हम एक कप दही डालेंगे। अब हम इसमें कटे हुए सब्ज़ धनिया डालेंगे। इसे हम 20 मिनट तक पकाएंगे। इसमें हम एक कप पानी डालेंगे। अब हम चूल्हे को बंद कर लेंगे। इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब हमने पतीले को चूल्हे पर रख दिया है, इसमें हमने पानी डाल लिया है। 1 किलो चावलों को हमने पानी में भिगो के रखा था। अब पानी उबल रहा है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, नमक डालेंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को हम उबालेंगे। अब ये उबल चुके हैं। अब हम चावलों का पानी निकाल लेंगे। Thank you.
अब हम इसमें उबले हुए चावल डालेंगे। इसमें हम कटे हुए सब्ज धनिया डालेंगे। फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे। इसके ऊपर हम फूड कलर डालेंगे। अब हम इसे दम पर रखेंगे। पांच मिनट तक हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। अब हमने चूल्हे को बंद कर लिया है। इसे हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे। इसे आधा घंटा हो चुका है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब बिरयानी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पाकिस्तानी क्रंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें।